हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर चैनल HPM विद एजुकेशन। HPM विद एजुकेशन जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा विशेषण से रिलेटेड। तो जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन। और वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहेगा, इसमें आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। विशेषण, विशेषण क्या होता है यानी कि एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी किसी का नाम होता है और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। इनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो हमारे हिंदी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप विजिट करके देख सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं वही हमारे विशेषण होते हैं। विशेषण किसी वस्तु का जो है वो अप्रत्यक्ष नाम में होता है, अतः सर्वनाम की भांति ही विशेषण भी एक तरह की संज्ञा ही होता है। जैसे हम कहें कि नीला आकाश, तो आकाश कैसा है, नीला। उसकी विशेषता है कि आकाश की वो नीला है। लड़की, तो लड़की कैसे, लंबी लड़की, छोटा लड़का, मोटा आदमी, सफ़ेद गाय, सुंदर महिला। तो इसमें जो नीला है, लंबी है, छोटा, मोटा, सफ़ेद, सुंदर, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। जो आकाश, लड़का, आदमी, गाय, महिला, इन आदि शब्दों की जो है विशेषता बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण का निर्माण जो है वो किससे हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के साथ जो प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। अब है इसके बाद की विशेषण के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे सविता बहुत सुंदर लड़की है, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है, जयपुर स्वच्छ शहर है, महेश बुरा लड़का है, उसके पास 20 पुस्तकें हैं। तो इसमें देखे क्या है, ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर कहे हैं, तो इसमें जैसे स्वच्छ हो गया आपका, मेहनती हो गया, सुंदर हो गया, इत्यादि शब्द जो हैं वो क्या बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। अब आता है आपके मन में क्वेश्चन कि विशेषण शब्द को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे है। तो किसी भी वाक्य में जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से ठीक पहले, जैसे कैसा, कैसी, कैसे, या कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों का प्रयोग करके जिस सवाल का करने पर जो है उत्तर के रूप में मिलने वाला शब्द जो है वो क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे हम कहें कि अच्छा लड़का, तो उससे पहले कैसा शब्द प्रयुक्त करने पर जवाब अच्छा आएगा, यानी कि यहाँ अच्छा लड़का जो, अच्छा जो है वो विशेषण शब्द होगा कि कैसा लड़का, अच्छा लड़का। विशेषण तो हो गया, एक आता है इसमें कि विशेष्य भी होता है, एक होता है विशेषण और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अतः संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही हम दूसरे अर्थ शब्द में कहें तो विशेष्य होता है, यानी कि जो शब्द विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, विशेषण शब्द ही वही जो है वो क्या होता है, आपका विशेष्य होता है, है ठीक है। तो विशेष्य के साथ जो विशेषण का प्रयोग जो वो दो तरह से होता है, एक तो आपका संज्ञा के साथ होता है, एक आपका क्रिया के साथ होता है। संज्ञा के साथ कैसे होता है, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने पर जो है इसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, तथा इनका प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाता है। तथापि क्रिया के साथ की बात करें तो क्रिया के साथ प्रयुक्त होने पर इसे विधेय विशेषण कहते हैं। इनका प्रयोग जो क्रिया से पहले किया जाता है उन्हें हम विधेय विशेषण समान अधिकरण जो है वो होता है। अब है इसके बाद आपका कि विशेष्य के एग्जाम्पल उदाहरण, विजय बहादुर लड़का है, विनोद भोला भाला आदमी है, सविता सबसे लंबी लड़की है, संकरण पढ़ा लिखा इंसान है। तो इन उपरोक्त उदाहरणों में जो है विजय, विनोद, सविता, संकरण आदि जो है क्या है, आपके विशेष्य है, यानी कि आपका जैसे बहादुर लड़का है तो कौन है, विजय है, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहे, तो विशेष्य है ठीक है। तो यदि यहाँ अतः यही जो संज्ञा शब्द भी होंगे हमारे। इसके बाद एक विशेष्य हो गया। अब आता है इसमें प्रविशेषण भी होता है। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं।
जैसे बहुत मोटा आदमी, बिल्कुल दुबली, और आदि में बहुत, बिल्कुल, ये आपकी प्रविशेषण है, क्योंकि ये शब्द जो मोटा दुबली शब्दों की विशेषता है कि मोटा कितना है, बहुत मोटा, पतला, बहुत पतला, मतलब ये विशेषण शब्द की भी आगे विशेषता बता रहे हैं आपको। ठीक है जी, आगे है इसके बाद आपका प्रविशेषण के उदाहरण। राम बहुत अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत क्या है हमारा प्रविशेषण है। मेरे पास कविताओं की लगभग 2 दर्जन पुस्तकें हैं, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तो अब है, आइए जो है वो विशेषण विशेष्य और प्रविशेषण को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर एक जो है हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चाय बहुत मीठी है। इस वाक्य में चाय शब्द जो है वो संज्ञा एवं विशेष्य है। चाय की विशेषता बताने वाला शब्द जो हो गया है मीठी है, तो इस वाक्य में मीठी शब्द जो है वो विशेषण है। वाक्य में विशेषण शब्द जो मीठी की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो बहुत है, तो बहुत आपका क्या है प्रविशेषण शब्द है। तो यहाँ तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें देखिए क्या आता है विशेषण के भेद। तो विशेषण के आपके टोटली कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कई बार एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका उसमें राइट ऑप्शन जो होगा जहां पर भी होगा 4 मेंशन, वो आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए गुणवाचक विशेषण आता है सबसे पहले, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और आपका सर्वनामिक विशेषण। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुण को बताने वाला ऐसा शब्द जो किसकी क्या बताएगा, गुण वाली विशेषता बताएगा। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपका भले लोग, अब लोग कैसे भले हैं, ठीक है, उनका स्वभाव बताया गया, नेचर बताया गया है, गंदी बस्ती, कोमल शरीर है, पुराने कपड़े, छोटा मकान, काला घोड़ा, लालची आदमी, ठीक है, सुंदर लड़की, तो ये रंग रूप आदि जो भी बताते हैं हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि संख्या का बोरोबोध करवाने वाला शब्द जो होगा। तो जो वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की शब्द की निश्चित अनिश्चित संख्या क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी के सभी संख्यावाचक विशेषण जो वह प्राकृत के माध्यम से जो है संस्कृत भाषा में आए हुए हैं। संस्कृत जो आप संख्यावाचक विशेषण उसके उदाहरण में देखिए, मैंने बाजार से 4 पुस्तकें क्रय की खरीदी। इस वाक्य में पुस्तकें जो है वो आपका संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा की विशेषता है कि संख्यावाचक, कितनी खरीदी है 4 है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द 4 है यहाँ पर। अतः इस वाक्य में 4 विशेषण शब्द है, 4 संज्ञा शब्द की संख्या बता रहा है, ये 4 संख्यावाचक विशेषण है। अब इसमें संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद आते हैं, सब पार्ट्स मीन्स की निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि आपको शब्द से ही बोध हो रहा है कि क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वो क्या होता है, वह संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संख्या संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या डेफिनेट नंबर यानी क्रम या गणना का बोध करवाता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 कुर्सी, 2 आम, 100 छात्र, दूसरा व्यक्ति, 3 लड़कियां, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं कि निश्चित है, 10 लड़कियां, 10 आदमी, 10 आम, 10 फल, तो काउंट करके बता सकते हैं, वो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, आएगी तो विशेषता ही संख्या में, अब अनिश्चित यानी संख्या निश्चित नहीं होगी। ये संख्यावाचक विशेषण जो शब्द जो है वो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या क्रम या गणना का बोध नहीं करवाता है, यानी अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई आदमी, बहुत सारे लोग, कुछ छात्र, ठीक है, सब जानवर, तो ये क्या है हमारे अनिश्चित, अब लोग है पता नहीं कितने, कुछ आदमी, कई आदमी, कितने संख्या आपको निश्चित नहीं है, है सही संख्या में बट आपको डेफिनेट नंबर पता नहीं, तो ये क्या है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट टाइप परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो है वो क्या होता है, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की मात्रा हो गया, परिमाण हो गया, नाप हो गया, तोल हो गया आदि का बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि अगणनीय संज्ञा के साथ मात्रा सूचक शब्द नहीं दिया गया हो तथा अनिश्चित
ता सूचक शब्द जोड़ दिया जाए तो ऐसे विशेषण अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होते हैं, ये भी कंडीशन रहती है। परिमाण वाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स देखें, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। अब ये 10 लीटर तोल सकते हैं, इसको नाप कर सकते हैं, ठीक है। दूध क्या आपका संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द जो है कि विशेषता 10 लीटर है, ठीक है। तो 10 लीटर संज्ञा का परिमाण बता रहा है, तो ये हमारा क्या है, 10 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके भी आगे भेद होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, तो पदार्थ की निश्चित और निश्चित मात्रा के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहला देखिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये परिमाणवाचक विशेषण जो है शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, जैसे कि हमने पीछे किया सिमिलरली, ये कि अगर निश्चित मात्रा, निश्चित परिमाण, निश्चित नाप तोल का जो है वो बोध करवाता है, उसे हम उसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 किलो अनाज, आप 3 किलो अनाज उसको मेयर कर सकते हैं, माप सकते हैं। 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा नाप सकते हैं, तो क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्या है ना इसमें आपकी, ठीक है। अब है निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण, जैसे 7 लीटर तेल देना मुझे, ओला दृष्टि से 20,000 टन अनाज नष्ट हो गया, नाप के बताया, माप तोल किया गया, तो निश्चित परिमाणवाचक उदाहरण। 3 किलो पनीर देना। अब इसके बाद है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी जिसकी संख्या जो कि निश्चित नहीं होगा, क्या होगा जिसमें, वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, निश्चित माप, निश्चित परिमाण, नाप तोल आदि का बोध नहीं करवाता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा अनाज, कुछ फल, थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी, तो वो क्या हुआ आपका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ, ठीक है। जैसे थोड़ा सा दूध देना, मुझे कुछ सामान चाहिए, ओलावृष्टि से 1,000 टन अनाज जो है वो नष्ट हो गया, 1,000 टन, अब पता है कितना है, कुछ सामान देना पता नहीं कितना देना है, थोड़ा सा दूध अब पता नहीं है कि एक टम्बलर देना है, कितना देना है पता नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट टाइप सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हुए भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये संकेतवाचक विशेषण भी इनको हम कह सकते हैं। पुरुषवाच्य सर्वनाम और निजवाच्य सर्वनाम को छोड़कर जो है सभी सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, ये भी ध्यान रखें। जब सर्वनाम शब्द अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो विशेषण होते हैं। जैसे कोई रो रहा है तो वाक्य अनिश्चयवाच्य सर्वनाम का उदाहरण है, जबकि कोई बालक रो रहा है तो सार्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण है, क्योंकि बालक आपका संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ जो है वो प्रयुक्त हुआ, तो ये आपका विशेषण हुआ, सार्वनामिक विशेषण। फिर इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण के आपके उदाहरण, वह कौन आ रहा है, यह मेरा घर है, वह बालक पुस्तक पढ़ रहा है, जो बालक पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, कौन बालक जा रहा है, कोई बालक रो रहा है, कौन, कोई, ठीक है, जो, वे, ये आपके क्या हैं, सार्वनामिक विशेषण हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, अब वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी विशेषण के 2 भेद होते हैं, आगे जनरली पूछा नहीं जाता है आपसे ये, बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की हम यहाँ पे बता रहे हैं। उद्देश्य विशेषण आपका विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, किसी वाक्य में उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। वाक्य में कर्ता का विस्तारक ही जो है वो क्या होता है, जो कर्म करता है, ठीक है, कर्ता होता है, तो विस्तारक ही क्या होता है, उद्देश्य विशेषण होता है। ये वाक्य में सदैव कर्ता से पहले लिखा जाता है, अतः जैसे कि परीक्षा में शीघ्रता से उद्देश्य पहचान विशेषण पहचानने के लिए एक ट्रिक भी है, क्या है कि उद्देश्य विशेषण सदैव कर्ता से पहले ही होगा, आपको यही देखना है। आगे इसके बाद आपका उद्देश्य विशेषण के उदाहरण, चालाक बालक भाग गया, कमजोर बालक हार गया, मैं हरी सब्जी आदि खाता हूँ, वहाँ एक पतला लड़का बैठा था, मुझे स्वादिष्ट भोजन पसंद है, वहाँ मुझे, ये क्या है आपके, यही आपके क्या है, उद्देश्य है। विधेय,
विधेय विशेषण क्या होता है? किसी वाक्य में विधेय यानी कर्म और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। वाक्य में कर्म या क्रिया का विस्तारक ही जो विधेय विशेषण होता है, ये वाक्य में सदैव कर्ता के बाद आता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, शंकर होशियार है, सब्जी हरी है, वह लड़का मोटा था, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। अब देखिए यहाँ पर जो है सब्जी है कैसी है, हरी है, तो हरी क्या आपका विधेय है। शंकर कैसा है, होशियार है, ये विधेय विशेषण है आपका। विशेषण की अवस्थाएं भी आती हैं, ठीक है। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमा अवस्था। सबसे पहले देखिए आपकी मूलावस्था हमको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जब कोई विशेषण शब्द किसी पदार्थ की विशेषता प्रकट करने के लिए अपने मूल स्वरूप में ही प्रयुक्त होता है, तो उसे हम उस अवस्था की विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था में संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का हमें बोध होता है, ठीक है। विशेषण की मूल अवस्था की जैसे उदाहरण हम देखें तो राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मूल अवस्था में उसकी कैसे अच्छा है। श्याम बुरा व्यक्ति है, गंगा एक पवित्र नदी है, कविता एक पटु वाले का है, तो ये हमारी मूल अवस्था के उदाहरण है। इसके बाद हमारी आती है उत्तरा अवस्था। सके जब कोई विशेषण जो दो पदार्थों, दो वस्तुओं की, व्यक्तियों की जो है वो परस्पर तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे वहाँ पर हम जो है विशेषण की कौन सी अवस्था कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों के मध्य तुलना की जाती है, तुलना का बोध होता है। विशेषण की मूल अवस्था से उत्तरावस्था बनाने के लिए या तो मूल विशेषण शब्द में तर, ठीक है, एस प्रत्यय जोड़ा जाता है, या फिर मूल विशेषण शब्द से पहले से का जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका जो है अधिक, तो अधिकतर बन जाता है, तर जोड़ा जाएगा प्रत्यय, ठीक है। मूल अवस्था से उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था में परिवर्तन को ही हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। विशेषण की उत्तरावस्था के उदाहरण देखिए तो रमेश महेश से अच्छा है, दो की तुलना की गई है, एक को बेटर बताया गया है। रमा उमा से पटु बालिका है, गंगा कावेरी से पवित्र नदी है, ठीक है। आगे इसके बाद उत्तमावस्था आती है तीसरी हमारी। उत्तमावस्था क्या होती है, जब कोई विशेषण शब्द जो है दो या दो अधिक जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों में से किसी एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की श्रेष्ठता हीनता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे हम वहाँ पर विशेषण की अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। विशेषण की उत्तम अवस्था बनाने के लिए या तो मूल विशेषण में तम, ईष्ट, तरीन में से किसी एक प्रत्यय को जोड़ा जाता है, या फिर मूल विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सबसे अच्छा लड़का है, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, या वरिष्ठतम कह सकते हैं, श्रेष्ठतम कह सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन कह सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए विशेषण की उत्तरावस्था के, राम सबसे अच्छा लड़का, तो सबसे अच्छा उत्तम अवस्था था, कमला गांव की वरिष्ठ महिला या वरिष्ठतम भी कह सकते थे, ठीक है। शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, गंगा सबसे पवित्र नदी है। तो ये थे हमारा जो है वो कौन सा टॉपिक था, विशेषण का। आई होप आपको विशेषण के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी ये कोशिश छोटी सी कैसी लगी, अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी लैंग्वेज की सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।